नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। विशेष में आपको हम लगातार दिखा रहे हैं नोटबंदी के बाद के हालातों की तस्वीर। आम लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। छोटे कारोबारी और किसानों के हालात से हम आपको रूबरू करा ही चुके हैं। हम आपको ये भी दिखा चुके हैं कि इससे काले धन पर कितना लगाम लगेगा और कितना नहीं। आज हम इसी सिलसिले में आपको दिखाएंगे बड़े उद्योग और कारोबार पर नोटबंदी का असर। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। दिल्ली के प्रगति मैदान में इन दिनों विश्व व्यापार मेला लगा हुआ है। अभी ये मेला आम लोगों के लिए नहीं खुला है। 19 नवंबर तक सिर्फ व्यापारियों के लिए लेन देन का ये अड्डा बना हुआ है, लेकिन पहले की तरह मेले में रौनक नज़र नहीं आ रही। विक्रेता भी परेशान है और ख़रीदार भी न, और इसका कारण है नोटबंदी। ये तस्वीरें हैं विश्व व्यापार मेले की। सूने स्टॉल और मेले में मुट्ठी भर लोग, चारों तरफ इन दिनों यही नजारा है। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद व्यापार पर बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर के व्यवसायी इस मेले की तैयारी साल भर करते हैं, लेकिन इस बार जब प्रगति मैदान में मेला लगा तो नोटबंदी के फैसले ने इनकी कमर तोड़ दी। 1000 और 500 के नोट बंद होने से हमारा व्यापार बिल्कुल ही बंद ठप हो गया है। और ग्राहक को क्या बेचे, क्या इतना दूर से आए हम सामान लेकर, परेशानी झेल रहे हैं। देखिए, मुनासिफ है जो करेंसी बंद हुई है इंडिया की, उससे हमारे व्यापार पे क्या पूरे ट्रेड फेयर पे और पूरे इंडिया में बहुत फ़र्क पड़ेगा और पड़ भी रहा है, क्योंकि देर इज़ नो कस्टमर फॉर दिस टाइम। और इस चीज़ को लेके हम लोग थोड़ा परेशान भी हैं। दुनिया भर से करीब 6000 व्यापारियों ने इस बार यहाँ दुकानें सजा रखी हैं, लेकिन उनकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। कोई राजस्थान से आया है तो कोई गुजरात से, कोई चीन से आया है तो कोई जापान से, लेकिन बिक्री की जो आस थी वो फिलहाल टूटी हुई दिख रही है। व्यापारियों का मानना है कि पहले के मुकाबले इस बार उनकी बिक्री आधी रह गई है। मैं तो पहली बार कर रही हूँ, इसलिए मुझे इतना तो यहाँ का आइडिया नहीं है, पर जिस तरह से बिजनेस टाइकून्स या बिजनेस वाले यहाँ पे आने चाहिए, उस हिसाब से वो लोग कह रहे हैं पहले से 50% कम है। तो मे बी यही ट्रांजेक्शन की वजह से, ये मनी की जो प्रॉब्लम हुई है इसी की वजह से है। असल में मुश्किलें कई हैं। मेले में टिकट खरीदने के लिए भी लोगों के पास खुले पैसे नहीं हैं। सामान तो तब खरीदेगा जब वो मेले तक पहुंचे। कई व्यापारियों ने आयोजकों से अपील की है कि वो हालात सामान्य होने तक लोगों की आवाजाही फ्री कर दें, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया जा सका है। इससे व्यापारियों की परेशानी और बढ़ गई है। अभी बहुत ज़्यादा असर हो रहा है इसका, और सभी, मैं नहीं, सभी व्यापारी जो भी आईटी यहाँ फेयर में आए हुए हैं वो सभी परेशान हैं, और बहुत हद तक बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। अभी क्या करा है आईटीपीओ ने, जो टिकट्स हैं यहाँ पर, वो टिकट्स भी वो न्यू करेंसी वाले को ही दे रहे हैं, ओल्ड करेंसी वाले को टिकट भी नहीं दे रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी, जिसकी वजह से कस्टमर अंदर नहीं आ पा रहा है, ये भी एक बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अभी हम पूरे साल तैयारी करते हैं इस फेयर की, ये बहुत बड़ा फेयर होता है इंडिया का, तो लेकिन अभी हमें बहुत ज़्यादा निराशा हो रही है इस फेयर को लेकर। हर साल यहाँ हजारों करोड़ का बिजनेस होता है। देश के कोने कोने से लोग प्रगति मैदान का रुख करते हैं, लेकिन फिलहाल मेले में मौजूद एटीएम का सर्वर खराब होने के चलते लोगों में भारी नाराजगी दिख रही है। आम आदमी को ही परेशानी होती है ना, बड़े बड़े आदमी, अमीरों आदमी, करोड़पति आदमी तो परेशान नहीं होते, वो थोड़े लाइन में खड़े रहते हैं, हमारे जैसे ही खड़े रहते हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि मेले में 20 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। बीते साल ये आंकड़ा लगभग इतना ही था, लेकिन व्यापारियों को इस बार संख्या पर शक है। 19 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आम लोगों के लिए ये मेला खुलेगा। ऐसे में आयोजकों के लिए ये बड़ी चुनौती होगी कि वो डेबिट और क्रेडिट कार्ड के सहारे मेले को सफल बना सकें। मोहम्मद फतेह टीपू की रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे इस विश्व व्यापार मेले के सामने एक नहीं कई मुश्किलें हैं। एक तो नोटबंदी, ऊपर से बैंक और एटीएम का सर्वर गायब। कई लोग सुबह से कतार में थे लेकिन नंबर ही नहीं आया। बैंक अब इन लोगों को कल फिर से आने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता मोहम्मद फातेह टीपू ने वहां का जायजा लिया। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शुरू हो गया है, लेकिन नोटबंदी का असर यहां पर साफ देखा जा सकता है। हमारे साथ यहां पर कुछ लोग आए, इनसे हम जानते हैं। क्या कहना चाहते हैं आप?
सर सवेरे 10 बजे का लगा रखा है, लाइन में लगे गए, ये एक मिनट का टाइम होता है 10 बजे, पर ये आए हैं 12:30। उसके बाद फॉर्म बांटे, फॉर्म बांटने के बाद फॉर्म बने नंबर दिया है कि चलो ये यहाँ सर्वर काम नहीं कर रहा, वहाँ चलते 6 नंबर पे, वहाँ पे सर्वर काम करे, यहाँ पे आए तो करे जी 5-5 करके करेंगे जी। अब तो सर्वर ही बंद हो गया, अब किसी को कुछ नहीं, अब कल होगा, 3 दिन हो गए। आपको क्या लग रहा है कि नोटबंदी का असर व्यापार मेले पे है? बदल ही नहीं रहे नोट, यहाँ पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, सर्वर काम नहीं कर रहे, सारा व्यापार मेले में बाकी कंप्यूटर चल रहे हैं, इनका नहीं चल रहा। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, 3 घंटे से मैं लाइन में खड़ा हूँ, कभी उधर जाऊँ कभी उधर जाऊँ, ऐसा ही 2.5-3 घंटे हो गए हैं, ना चेंज हो रहा है ना कुछ हो रहा है, बहुत दिक्कत आ रही है। और कुछ सामान नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं, यहाँ ATM काम नहीं कर रहे, बंद हो रखे, सर्वर सारे डाउन हो रखे हैं, बड़ी परेशानी हो रही है। ऑफिस से छुट्टी लेकर के आदमी यहाँ आता है सुबह 10 बजे लेकर के, अभी 1:30 बज चुका है और अभी तक आदमी लाइन में लगे लगे, एक बार वहाँ लगाया गया फुलवारी के सामने कि अभी आएगा नंबर, अभी आएगा, हाँ इसके बाद वहाँ से फिर 6 नंबर पे भेजा गया कि अब यहाँ नंबर है, यहाँ नंबर दिया गया, यहाँ आते हैं, अब यहाँ कहा गया है कि अब हम आपको 1-1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद 5-5 करके आपको हम बुलाएंगे, बाकी कोई व्यवस्था नहीं रही कि कोई वैसा कोई पैसा मिलेगा यहाँ। आपका क्या कहना है नोटबंदी पर? अरे हम गुजरात से आए, गुजरात पेवेलियन में हमारा स्टॉल है और 100-500 रुपये की दिक्कत के हिसाब से हम सुबह से 10 बजे से खादी वो वहाँ पर हम खड़े थे जहाँ पर ये लोगों ने बोला था, फिर वहाँ से हमको लाइन में खड़ा रखा, फॉर्म भरा, उसके हिसाब से हमने जो बोला वो हमने किया, फिर नंबर आ, नंबर 1 नंबर के 2 नंबर के बाद फिर मालूम पड़ा कि ये लोगों ने नंबर दिया कि अभी 6 नंबर पर जाओ, क्या सर्वर बंद है, अभी 6 नंबर पर, अभी हम इधर आए तो अभी बोलता है कि अभी कल आओ, कल में कल भी आपको मिल जाएगा यही नंबर पे, अगर नंबर चेंज होगा तो हम क्या करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में भी नोटबंदी का साफ असर दिख रहा है, यहाँ पर व्यापारी और जो दर्शक हैं वो खासे परेशान हैं, सर्वर डाउन की समस्या को बता रहे हैं। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला वक्त लोगों के लिए बेहतर होगा। कैमरामैन संतोष के साथ मोहम्मद फातेह, टीपू, राज्यसभा TV, दिल्ली। और व्यापार मेले में किस तरह से कारोबारियों की दिक्कतें हो रही हैं ये आपने देखा, लेकिन सिर्फ यही नहीं, पूरे देश का जो कारोबार है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। न सिर्फ छोटे दुकानदार बल्कि बड़े कारोबारी भी परेशान हैं, बाज़ार में नकदी की किल्लत है और इस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं और कारोबारियों को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान हो रहा है। मुंबई के जवेरी बाजार में सन्नाटा पसरा है, नोटबंदी के बाद से यहां बिक्री तकरीबन ना के बराबर है। ज्यादातर नकद में कारोबार करने वाले सराफा व्यापारी ग्राहकों के इंतजार में हैं, लेकिन इंतजार खत्म होता नहीं दिख रहा। हालात सिर्फ जवेरी बाजार में ही खराब नहीं है, रोजाना 150 करोड़ रुपए से ज्यादा का व्यापार करने वाले महाराष्ट्र के सराफा कारोबार पर मुर्दगी छा गई है। यहाँ ज्यादातर कारोबार नकद में होता है, लेकिन नकदी की किल्लत ने कारोबार की कमर तोड़ दी है। मैं ज्वेलर्स के नजरिए से अगर देखना आपको समझाऊंगा तो 9 तारीख से जब से ये संविधान और नोट बंद हुए तब से लेके आज तक में हम शॉप पे कस्टमर देख रहे हैं बाइंग करने के लिए, नई कस्टमर हम कुछ कहीं से भी पैसे की भी व्यवस्था कर पा रहे हैं। सरकार के फैसले के बाद महाराष्ट्र के 6 लाख से ज्यादा ज्वेलर्स और तकरीबन 1.25 करोड़ मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। परेशानी सिर्फ नोटबंदी की नहीं है, इस बीच में काले धन पर भी शिकंजा कसने के लिए ज्वेलर्स की दुकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी से बाजार में डर का माहौल है। सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट ने ज्वेलर्स को जल्द से जल्द बिक्री घोषित करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा राजस्व इंटेलिजेंस विभाग की सक्रियता के चलते नकद कारोबार एकदम बंद है। आज इसमें 6 लाख ज्वेलर्स और करीबन 1-1.25 करोड़ कारीगर इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए हैं, तो अगर उस 6 लाख में से कुछ 5-10% लोग कुछ ऐसी जो काले धन के साथ शायद काम करते होंगे, वो भी मुझे श्योर नहीं है, तो उनके लिए ये आज 6 लाख ज्वेलर्स को और 1.25 करोड़ कारीगरों को भुगतना पड़ रहा है। मुंबई में नोटबंदी का असर दूसरे कारोबारों पर भी साफ नजर आता है। कपड़ा, खानपान, रेडीमेड के अलावा निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोग भी खासे परेशान हैं। उद्योग धंधों पर मंदी की चपेट में आने का खतरा है। औद्योगिक रफ्तार धीमी पड़ने का डर मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में साफ महसूस किया जा सकता है। हालांकि बाजार अभी नोटबंदी के असर का पूरा आकलन करने में जुटा है।
till we assess that what this demonetization will have impact on GDP numbers and the capital flight out of the country because of the interest rate, imminent interest rate hike in the US. And this is having impact on our market and we are witnessing downturn. इधर लखनऊ में फूल कारोबारी दूसरी मुश्किलों में घिरे हैं। किसान माल लेकर आ रहे हैं तो व्यापारियों के पास उन्हें देने के लिए नकदी नहीं है। बुआई का मौसम है सो किसान अपनी उपज उधार देने को तैयार नहीं है। भुगतान ना होने की वजह से मंडी में मजदूर नहीं आ रहे हैं। हालांकि किसान नकद में अपना माल औने पौने दाम पर बेचने को राजी है लेकिन मंडी में इसके खरीदार नहीं है। लोकल तो यहाँ पर लखनऊ में तो ग्लाइड होता है, बाकी और माल जरबेरा जो है उत्तरांचल से और सूरत से, गुजरात से और बाकी बाहर का भी जो माल है वो भी आता है। वो एकदम समझ लिए कि आधे रेट में माल बेचने के लिए तैयार है, 100 रुपए वाली चीज 50 में बेचने के लिए तैयार है। वो कहता हमको टूटे पैसे दिए क्योंकि हमको किराया करना है, हमको खाने के लिए पैसा चाहिए, हमें और चीजें चाहिए, मैं क्या करूँ 500 का नोट। अगर जो 500 का नोट ले भी रहा हूँ तो इतनी ज्यादा लाइन है कि मैं वहाँ लाइन में दिन भर वहीं खड़ा रहूँ। कारोबारियों में मौजूदा नुकसान की भरपाई न होने का खौफ साफ नजर आ रहा है। अगर नकदी का मौजूदा संकट लंबा खिंचता है तो छोटे और मझोले कारोबारी तबाह होंगे ही, बड़े भी इसके असर से अछूते नहीं रहेंगे। हालांकि कारोबारी जल्द ही हालात सुधारने की उम्मीद जता रहे हैं, साथ ही मांग कर रहे हैं कि सरकार बाजार में नए नोटों की मांग समय से पूरा करे ताकि वक्त रहते हालात संभल सकें। ज़ैगम मुर्तज़ा, राज्यसभा टीवी। और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों के जो बैंक है वहां नोट बदलने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। बढ़ती भीड़ बैंकों के लिए भी परेशानी का सबब बन रही है। राजस्थान के कई इलाकों में बीजेपी ने अपने कार्यकर्ताओं को भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था के काम में लगाया हुआ है। लोग इस बात से आशान्वित जरूर हैं कि सरकार के इस कदम से कालाधन वापस आएगा, लेकिन व्यवस्था को लेकर लोगों में जबरदस्त नाखुशी है। राजस्थान के चुरू के ग्रामीण इलाकों में हर बैंक के आगे इस तरह की कतार मिल जाएगी। ग्रामीण बैंक की शिमला गांव की शाखा में ये लोग सुबह से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बाहर लोग परेशान हैं तो अंदर कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। बैंकों के मुताबिक वो अतिरिक्त समय देकर लोगों की सहूलियत में लगे हुए हैं, लेकिन परेशानी ये है कि भीड़ दिनों दिन कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। नहीं, संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। अच्छा, संख्या बढ़ रही है। हाँ। अच्छा, तो यहाँ दिन भर लोग लाइन में लगे रहते हैं? नहीं, सुबह 6 बजे से आ जाते हैं लोग। अच्छा जी, सुबह 6 बजे आ जाए, मैं रात्रि को यहाँ रहता हूँ, बैंक के अंदर रहता हूँ। अच्छा। और रात के 10 बजे तक लाइन लगी रहती है। चुरू का ये बैंक आसपास के 15 किलोमीटर के इलाके में इकलौता बैंक है। इस इलाके में 18 गांव पड़ते हैं जहां के बाशिंदे सुबह से बैंक के आगे कतार लगाना शुरू कर देते हैं। बैंक एक दिन में 30 लाख रुपए जमा कर रहे हैं जबकि करीब 3 लाख रुपए ही बांट रहे हैं। और समस्या आ हो रही है कि बैंक में जमा करा जा मार्केट 5-10 हजार रुपया हुआ, इतना ही चंदी है मार्केट, अरबा मानने मिल रही नहीं है। एक तो आ दिक्कत है, और 2000 को लौट की नहीं दे दें तो वो मान लो कोई दुकान वालों को ले। हाँ, सही बात है, समस्या होगी। बढ़ती भीड़ को देखते हुए बैंक ने अपनी अलग व्यवस्था बनाई है। पहले जमा करने वालों को प्राथमिकता दी जा रही है जबकि नकदी निकालने वालों को बाद में। भीड़ नियंत्रण करने के लिए बैंक बचे हुए लोगों की पासबुक जमा कर रहा है और उन्हें अगले दिन आने को कहा जा रहा है। बैंक अधिकारियों के मुताबिक नए नोट पर्याप्त मात्रा में नहीं आ पा रहे जबकि 2000 का नोट आम लोगों की मुश्किलें कम करने की बजाय बढ़ा रहा है। बैंकिंग स्टाफ की भी निश्चित रूप से अपनी मजबूरी है, लोगों की अपनी नीड है, और मैंने जो यहाँ रहते हुए जितना अनुभव किया है उसमें खास जो दिक्कत पैदा हो रही है वो ये हो रही है कि लोगों की जो खरीफ प्रोडक्ट है वो मंडियों में बिकती नहीं, वो चेक देते हैं, और कहीं से बैंक से भी मिलता है तो 2000 का नोट मिलता है, वो बड़ा है, छोटी करेंसी की त्वरित जरूरत है। राजस्थान समेत ज्यादातर राज्यों के ग्रामीण बैंक इसी तरह के दबाव झेल रहे हैं।
सरकार ने ग्रामीण इलाकों में नकदी पहुंचाने के लिए बैंक मित्रों की मदद लेने की बात जरूर कही, लेकिन कनेक्टिविटी, मानव संसाधन और दूसरी तकनीकी दिक्कतों के चलते ग्रामीण इलाकों में नोट बदलने और नई नकदी लेने में जबरदस्त दिक्कतें महसूस की जा रही हैं। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी, चुरू, राजस्थान। देश भर में शादियों का मौसम है, लेकिन बाजार में नकदी की आपूर्ति कम होने से मायूसी भी छाई हुई है। मांग घटने से बाजार में सोने की कीमतें लगातार कम हो रही हैं और इसे लेकर जयपुर के सर्राफा व्यापारी खासे मायूस हैं। पिंक सिटी के नाम से मशहूर जयपुर के सर्राफा बाजार में ग्राहक नहीं के बराबर हैं। हालांकि शादियों का मौसम है, लेकिन शाही शादियों के लिए मशहूर इस शहर में नोटबंदी का असर बाजार पर साफ दिख रहा है। पैसे की कमी से जूझ रहे लोग जेवर खरीदने से कतरा रहे हैं। अभी तो शादी का सीजन था, सावा था, ये फैसला आने से तकलीफ हुई लोगों को, थोड़ा परेशानी भी हो रही है, बैंकों में लाइनें लग रही हैं, आप देख रहे हैं, और बाइंग एकदम रुक जाएगी, बाइंग सेलिंग सारी चीज़ें रुक जाती हैं, स्टैंड स्टिल आ जाती हैं। लेकिन अभी एक नए सिस्टम में अपन डल रहे हैं, ये कन्वर्जन पीरियड है, और नए सिस्टम में अपन जैसे डल जाएंगे तो हम कार्डों से, मोबाइल से और इन चीज़ों से बैंकिंग सुविधाएं उठा पाएंगे। जैसे बैंकिंग नॉर्मल हो जाएगी, ये सुविधाएं उठा पाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। हालांकि कारोबारी हालात जल्द सामान होने की उम्मीद जता रहे हैं, लेकिन कारोबार को हो रहे लगातार नुकसान से चिंतित भी हैं। कारोबारी सीजन में ग्राहकों की कमी चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। सर्राफा कारोबार में काले धन को लेकर फैल रही अफवाहों से भी कारोबारियों में नाराजगी है। अभी क्योंकि चूंकि वेडिंग सीजन चल रहा है, तो हर जिनके घर में शादियां हैं तो वो शादी की परचेजिंग कर रहे हैं, लेकिन उसको राजनीतिक, अलग राजनीतिक पार्टियां उसको हुआ बना के ये कह रहे हैं उसको कन्वर्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। काले धन के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लोग सरकार के समर्थन में हैं, लेकिन अभी तक काले धन के कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा नाम सामने नहीं आया है। ऐसे में नकदी की कमी से जूझ रही जनता और कारोबारी शायद ज्यादा समय तक कायम ना रह सकें। ऐसे में सरकार को बाजार को बचाने के लिए जल्द ही कोई कदम उठाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और विदेशी सैलानियों पर भी नोटबंदी की गहरी चोट पड़ी है। कई सैलानियों को पहले से ही अंदाजा तक नहीं था कि हालात इतने विकराल हो जाएंगे। कुछ तो नोटबंदी से पहले ही भारत आ चुके थे, लेकिन अब पुराने नोट न तो चल रहे हैं और ना ही सैलानियों की जिंदगी। देश के जीडीपी में पर्यटन उद्योग की बड़ी हिस्सेदारी है, लेकिन आजकल यहाँ मुश्किलें ही मुश्किलें हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि सैलानियों के सामने किस तरह की मुश्किलें हैं, चुनौतियां हैं। हॉलैंड से आए जेनिथ और नियोंग के पास 100 रुपए के यही 2-4 नोट बचे हैं। ई कार्ड और दूसरे ऑनलाइन जरियों से इनका काम शायद चल भी जाता, लेकिन नियोंग भारत घूमने नहीं बल्कि अपनी बेटी की शादी के लिए आए हैं। अपने रिश्तेदारों के साथ दिल्ली पहुंचे नियोंग को ये आभास नहीं था कि अपनी बेटी की शादी में उन्हें पाई पाई के लिए इस तरह भटकना पड़ेगा। Yes, we have a big problem. We have, this is the only money we have. You have no change. No, we have no change. Only euros and a card. But we have no Indian money. And we come in the night at the airport, and also there was a queue, and we thought there was a solution when we were there. But we don't change the money at the airport. So that was a stupid thing of us, I guess. मुश्किल में सिर्फ नियोंग नहीं है, बल्कि इन दिनों जो भी विदेशी सैलानी भारत आए हैं उनकी यही दास्तान है। ये तस्वीरें हैं दुनिया भर में ताजमहल के चलते मशहूर आगरा की। सड़कों पर इन दिनों इसी तरह की अफरा तफरी देखने को मिल रही है। हर कोई परेशान है, विदेशी सैलानी तो और भी मुश्किल में है। विदेशी मुद्रा के बदले उन्हें यहाँ थोड़े से पैसे मिले। अब मुश्किल ये है, ना तो विदेशी मुद्रा यहाँ चल रही है और नए नोट उन्हें मिल नहीं पा रहे। कुछ बिचौलिए विदेशी मुद्रा के बदले उन्हें पुराने नोट थमा दे रहे हैं, लेकिन जब वो 500 और 1000 के पुराने नोट खर्च करने पहुँचते हैं तो ठगा सा महसूस होता है। दूर देश से आए थे दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार ताजमहल देखने, लेकिन अब ये तमन्ना धरी की धरी रह गई।
I cannot buy the ticket. Yeah, because the ticket counter told me the 500 rupee and the 1,000 rupee doesn't work here. So I don't know how we can far away to India. सैलानी हर तरफ मुश्किलों में हैं। शिमला में भी इन दिनों यही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। खुशनुमा मौसम के लालच में लोग इस हिल स्टेशन का रुख तो कर रहे हैं, लेकिन ना तो होटल में किराया देने के लिए सैलानियों के पास पैसे हैं और ना ही रेस्टोरेंट्स में खाने के लिए। जहां तक मुमकिन हो ये लोग डेबिट और क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन छोटे मोटे खर्चों के लिए बदहाली का आलम है। Being in Delhi, we found that we were not able to get any money. The hotel had all its cash taken away, and so as a result, they couldn't even give a small denomination, small amount of currency, which is difficult when you're a tourist walking around and you need public conveniences and you want to give tips for porters and things like this. We couldn't do any of that. So the situation without any Indian money at all was very difficult. गोवा में बैंकों के सामने विदेशियों की कतारें आम हैं। पैसों की मारामारी के बीच ये लोग हर बैंक पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन कहीं नकदी खत्म है तो कहीं कतार में ये बहुत पीछे। कुछ लोग तो लंबी छुट्टी की योजना बनाकर यहाँ आए थे, लेकिन अब जल्दी बोरिया बिस्तर समेट कर वापस लौट जाना चाहते हैं। We can't buy nothing. Thomas Cook, no. Here, no. Any banks say no, say us, no money. People have suffered as well, the ordinary people. And it's so hard in the queues waiting to get money and watching the people of India just queuing up. It's so demoralizing. Because Indian people are beautiful people. Old ladies, old men queuing, who've worked for India, made India what it is today. It's the government need to think twice about what they've done to the people of India. But for the tourists, it's been terrible. We've seen people in resorts, people who come to India to enjoy themselves, not being able to exchange money for 4 days. They're walking the streets. It's crazy, absolutely madness. मजबूरी में कुछ सैलानी औने पौने दामों पर विदेशी मुद्रा बदल रहे हैं, लेकिन मुश्किलों में सिर्फ विदेशी सैलानी ही नहीं है बल्कि घरेलू पर्यटकों का भी यही हाल है। प्रॉब्लम ये है कि हम तो घर से ज्यादा 100 का और 10 का तो रुपया लेके निकलेंगे नहीं, और हम लोग निकले तो 500 रास्ते में क्यों है, डर रहता है सब बात का, इसके लिए 500-1000 का नोट लेके निकले। पिछले कुछ वर्षों से भारत की जीडीपी में पर्यटन उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय औसत से ये अब भी कम है। भारत की जीडीपी में इस वक्त पर्यटन का योगदान 6.8% है, जो कि वैश्विक औसत 9.8% से काफी नीचे है। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने अनुमान जताया था कि इस साल भारत में ये उद्योग 7.5% की दर से बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए ये मुश्किल लग रहा है। 2014 में देश में 77 लाख विदेशी सैलानी आए, 2013 से ये संख्या 8 लाख ज्यादा है, लेकिन इन दिनों पर्यटक उद्योग मंदी की मार झेल रहा है। पिछले दिनों जितना वीकेंड में रश था वो उतना अभी रश देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इसका मेन वजह ये भी है जो जब से ये 500 और 1000 के नोट बंद हुए हैं तो काफ़ी परेशानी आ रही है टूरिस्ट को भी और यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं पर्यटन व्यवसाय से। पर्यटन देश में लाखों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बना हुआ है। फिलहाल 6.70 करोड़ लोग सीधे या अपरोक्ष रूप से पर्यटन उद्योग के जरिए आजीविका चलाते हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद इस उद्योग से जुड़े लोगों की जिंदगी सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। नमस्कार।